धन्यवाद प्रवीण जी। ये होली से पहले की होली है। और इसके लिए विशेष रूप से हम सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं, जो कहा वो करके दिखाया। ये गोविंद राम जी हैं, पाकिस्तान में थे, यहां आए, और ऐसा नहीं मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूं, घर भी गया, मिलकर भी आया, और एक ही बात कहते थे कि हम आ तो गए हैं लेकिन नागरिकता हमें कब मिलेगी। ये इनके बेटे हैं पंजू राम, रोज फोन पे बात करते हैं। ये प्यारा सिंह जी अफगानिस्तान से, जो सिख बंधु यहां बैठे हैं जितने आए हुए हैं, पीछे मैं एस जयशंकर जी को गुरुद्वारे में लेके भी गया था, विदेश मंत्री जी को, तब भी एक बात हुई थी, तब भी हम कह के आए थे कि आप इंतजार कीजिए, हम ये काम पूरा करेंगे। और हमें नेतृत्व पे, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है, भरोसा था, भरोसा रहेगा, हमें मालूम था कि वो ये करके दिखाएंगे। प्रवीण जी कह रहे हैं रिफ्यूजी, मैं अपना दर्द बताता हूं। मेरे माता पिता दोनों ने 47 का बंटवारा देखा है, हम तो हिंदुस्तान में थे, वो पाकिस्तान कब बना वो यहां के रहनुमा जाने, वो तो हिंदुस्तान में रहते थे, और किस तरह से वहां से आए थे वो दर्द आज भी उनकी आंखों में झलकता है। तो मैं इन भाइयों का भी, इनके परिवार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मेरे परिवार ने ये दर्द देखा। मैं जानता हूं कि अपना घर छोड़ के आना और बच्चों को बड़ा करना, उनको पालना कितना बड़ा काम है, और वो भी तब जब आपकी अपनी पहचान आपके हाथ में ना हो। अभी एक भाई मिला मुझे, तस्वीर कहा है, तस्वीर 30 साल की उम्र होगी इसकी, अपनी आइडेंटिटी इसको अब मिलेगी कि मैं तस्वीर हिंदुस्तानी, ये मेरा पासपोर्ट नंबर। तो कितने ऐसे लोगों की आंखों के आंसू जो है वो पहुंचने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। मैं अभी बात करूं तो मैं भावुक हो रहा हूं। मैं घर जाता हूं, बहनों से मिलता हूं, माताओं से मिलता हूं, मुझे तकलीफ होती है देख के कि भाई इनका कसूर क्या था। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये माइनॉरिटीज में थे, दूसरा नंबर ज्यादा था जो अत्याचार करता है, प्रताड़ित करता है। अब वो चाहे सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, वो सब जो यहां आ गए वो अब हमारे अपने हैं, और भारत की सरकार ने ये अधिकार उनको दिया है। और ये कानून जब संसद में पास हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि ये तो होना ही है। और मुझे खुशी है, ठीक है, कोविड की वजह से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा निर्णय हमारे सामने आया है। और कल भी मेरी इनसे लगातार बात हुई, आज भी आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर जो उत्साह है, और जो जितनी कानूनी बाध्यताएं जो इनके रहने सहने में आ रही थी अब वो दूर होंगी, और ये सब भी एक राष्ट्र की विचारधारा में हम सबके साथ मिलकर चलेंगे, हम सबके साथ दौड़ेंगे, और एक ऐसा भारत जो इनका अपना भारत है, जो इनका अपना देश है, उसको समृद्ध बनाने में ये भी अपना योगदान देंगे। ये चिट्ठी लाए हैं गोविंद राम जी और पंजू राम जी और उनकी पूरी जो टीम है, ऐसी हजारों चिट्ठियां तैयार हो रही हैं। ये चिट्ठी चिट्ठी नहीं है, ये इनके भाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम इन्होंने लिखे हैं, अपना नाम दिया है, अपना फोन नंबर भी दिया है, जहां रहते हैं वो भी बताया है, और ये बता रहे हैं कि हमारे लिए ये दिन होली भी है, दिवाली भी है, और जिंदगी भर
हम प्रधानमंत्री के ऋणी रहेंगे, ये इनके भाव हैं। ये कह रहे हैं कि आपने हमें हमारी पहचान बताई है, आपने हमें बताया कि हाँ हमारा भी एक नाम है, हमारा भी एक देश है, हमारा भी एक आइडेंटिटी है जो हम बता सकते हैं लोगों को। तो मैं ऐसे आज सभी भाई जो यहाँ आए हैं उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और पुनः आप सबकी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपकी वजह से ये दिन आया है, आपके निर्णय ने हमेशा देश का सर ऊंचा किया और मुझे यकीन है कि ये जो भाई बहन हमारे जो एक पहचान के लिए भटकते थे, अब वो इनका संघर्ष खत्म होगा और ये सब भी अब मुख्य धारा में साथ रह के हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चारा सिंह जी पढ़ो, आगे करके करना जी, आगे करके।